हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे अभी लाइव क्लासेस आज लास्ट क्लास है दिशा प्रशिक्षण डायरेक्शन टेस्ट का जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसलिए सब फटाफट ज्वाइन कीजिए आज इस क्लास का लास्ट सेशन इसका एग्जाम है उम्मीद करते हैं कि इसके पिछले छः क्लास चले जिसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसलिए एक मिनट में क्लास मैं शुरू करूँगा इसलिए आप लोग फटाफट अपने जो भी फ्रेंड हैं उनको ऐसे न नो मेरा नोटिफिकेशन तो आपके पास चला गया और मेरा चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन चला गया क्लास ज्वाइन कीजिएगा ताकि मैं क्लास को शुरू कर सकूं। बस हाफ सेकंड में ही मतलब मिनटों में ही चालू कर दूंगा। फटाक से जितने भी हैं जो भी हैं सब फटाफट ज्वाइन कीजिए आप सभी का मेरा चैनल यूट्यूब चैनल एट द रेट आर ए फ्री क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है फटाफट ज्वाइन कीजिए हेलो दोस्तों जहाँ तक तो उम्मीद है कि आप लोग ज्वाइन कर लिए होंगे ठीक है ज्वाइन कर लिए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में शुरू कर सकता हूँ करूँ चलिए शुरू कर रहा हूँ क्लास को किसी तरह का डाउट होगा तो पूछिएगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरा क्लास का मिलते रहे चलिए धन्यवाद क्लास शुरू करता हूँ देखिएगा कल का मैं देखे गया था एक तरह से होमवर्क मान लीजिए चलिए बताइएगा फटाख से बताइएगा देरी नहीं कीजिएगा अगर आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे तो आप बना चुके होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा अगर नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं फिर से बना के बताइए अभी तुरंत फटाफट बताइएगा चलिए बताए चलिए बताते हैं अगर बन गया होगा तो अच्छी बात है नहीं बना है तब भी कोई दिक्कत नहीं मैं बताता हूँ देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले कह रहा है अशोक किसी स्थान से चार किलोमीटर यहाँ पे दूरी पूछ रहा है कितना दूरी पूछ रहा था मतलब किलोमीटर का मेरा ज़रूरत है ठीक है दिशा रहता तो किलोमीटर का जरूरत नहीं पड़ता चलिए ठीक है अब देखिएगा अशोक किसी स्थान से मतलब कोई भी स्थान हो ठीक है कोई स्थान से पूर्व की ओर किस दिशा में पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चार किलोमीटर ठीक की ओर जाता है बाई मुड़ जाता है बाया समझ रहे हैं ना बाया मुड़ गया तो आप पूर्व की दिशा में जा रहे हैं तो बाया किधर होगा बताइएगा सेकेंड लाइन बाया मुड़ जाता है ठीक है बाया मुड़ गया बाया का तीन किलोमीटर चला तीन किलोमीटर अशोक अपने दूरी से प्रारंभिक स्थान पे कितने मीटर पे है बताइए बता देंगे डायग्राम बना दिया हूँ उम्मीद करते हैं कि आप बना रहे होंगे कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूँ बताइएगा बताइएगा देरी नहीं कीजिएगा चलिए अगर बन गया होगा तो ठीक है नहीं बना होगा तो ठीक कोई दिक्कत नहीं तो ये पूछ क्या रहा है इसका डिस्टेंस इस तरह का क्वेश्चन तो आपको बता चुके हैं डायरेक्शन तो पहले आपको बता दें ये पूर्व है उत्तर दक्षिण पश्चिम इतना तो पता है चलिए तो यहां तक तो आप पहुंच गए होंगे ठीक है ये प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु हो गया ठीक ये अंतिम बिंदु ठीक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा पूछ रहा है इसके बारे में तो ये कर, ये क्या हो गया कर्ण हो गया ये क्या हो गया लंब हो गया ये क्या है आधार ठीक जो मेरे पहले क्लास में ज्वाइन किए होंगे कोई दिक्कत नहीं है उनको समझ में आ जाएगा तो फॉर्मूला जो पैथागोरस पर परमे क्या कहता है, है? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ठीक है कर्ण बराबर कर्ण कितना है कुछ नहीं कर्ण को हमको निकालना है मान ले एक्स मान लेते हैं चलिए एक्स नहीं कुछ है। कर्ण ही लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं कर्ण ही लिख देते हैं ठीक है लंब कितना है देखिएगा तीन तीन किलोमीटर चला आधार कितना है चार किलोमीटर चला ठीक है अंडर रूट कितना आ गया बताइएगा कितना हो जाएगा अंडर रूट पच्चीस कितना आ जाएगा 5, 5 आया इसका मतलब दो नंबर आंसर सही क्या बन जाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएंगे ना उम्मीद करें क्या है बहुत इजी है बहुत टफ नहीं है आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन मेरा प्रीवियस जो भी मेरा वीडियो देखिएगा चाहे वो अभी करेंटली सिक्स का हो क्लास सिक्स का हो या फाइव का हो मेरा वीडियो चैनल पे है ऐट द रेट uh, आर एफ थ्री क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल मेरा है उस पर जिसपे आप ज्वाइन कर रखे होंगे तो उसमें आप जाकर देखेंगे तो थ्री क्लासेज फोर क्लास फोर क्लासेज फाइव क्लासेज में ये इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ क्या बताया हूँ ना ठीक है चलिए आगे बढ़ें अगर क्वेश्चन उतारना है तो उतार लीजिए ये तो आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा चलिए बनाइएगा क्वेश्चन को फट से बनाइएगा देरी नहीं कीजिएगा और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें जो स्टूडेंट के पास मेरा वीडियो नहीं जा पा रहा है उनके पास शेयर करें ताकि वो सीख पाए ठीक है चलिए बताइएगा कमेंट कीजिएगा जल्दी से बना के बताइए वेट कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन का चलिए देखिएगा क्वेश्चन को फटाफट ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा चलिए देखिएगा किशन कह रहा है उत्तर दिशा में दस किलोमीटर पहले तो देख लीजिएगा प्रारंभिक बिंदु कितनी दूरी पे है और किस दिशा में दोनों पूछ रहा है आपको क्या पूछ रहा है दोनों पूछ रहा है एक तो दिशा भी पूछ रहा है आपसे और दूरी भी कितनी दूरी है प्रारंभिक दूरी से चलिए ठीक है दोनों बता देंगे ठीक चलिए ठीक है क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं देखिएगा किसान उत्तर दिशा में किसी बिंदु पे है दिशा तो आपको पता है ठीक है दिशा आपको बता देता हूं ये उत्तर होता है ये उत्तर पूर्व होता है ये पूर्व है सॉरी दक्षिण पूर्व है ये दक्षिण है दक्षिण पश्चिम है ये पश्चिम है, है ये उत्तर पश्चिम है ठीक दिशाएं सब पता हो गई आपको चलिए आगे बढ़ते हैं कह रहा है उत्तर दिशा में दस किलोमीटर उत्तर दिशा में किधर उत्तर दिशा में कहीं पे बिंदु मान लेते हैं यहीं पे मान लेते हैं ठीक है किधर कह रहा है उत्तर दिशा में चलिए यहाँ उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर उत्तर दिशा में दस किलोमीटर ठीक है सॉरी यहीं चलिए यहाँ पे से मानेंगे फिर क्वेश्चन दिक्कत हुआ चलिए ठीक है बीस से मानते चलिए ठीक है उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर दस किलोमीटर ठीक है और बड़ा कर दें चलिए बड़ा कर देते हैं थोड़ा सीधा लाइन नहीं हो पा रहा है सीधा लाइन करने की कोशिश करते हैं फिर से देखिएगा थोड़ा सा हाथ चलिए कोई बात नहीं दिशा ही तो करना है ये उत्तर दिशा तो हो ही रहा है चलिए ठीक है कितना किलोमीटर दस किलोमीटर दस किलोमीटर चला ठीक अब कह रहा है वहाँ से वह दक्षिण की दक्षिण में मतलब यहाँ यहाँ पहुँच गया है ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है यहाँ पहुँचने के बाद वो कह रहा है कि दक्षिण की ओर छः किलोमीटर मतलब यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के बाद यहाँ आने के लिए मतलब यहाँ आया ये छः किलोमीटर चला वापस रिटर्न किया वापस ठीक है छः किलोमीटर चला तब वह पूर्व की ओर जाता है कितना किलोमीटर तीन किलोमीटर किधर जाता है पूर्व की ओर मतलब यहाँ पहुँच गया यहाँ से जाता है वो तीन किलोमीटर ये डिस्टेंस जो है छ किलोमीटर है ना यहाँ से यहाँ आता है ठीक है इसको और... चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं छः किलोमीटर आया ये एक डिस्टेंस कितना है तीन किलोमीटर है ना तीन किलोमीटर चलिए यहाँ से यहाँ तक तीन किलोमीटर ठीक अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी मतलब ये वाला पॉइंट ये ये जो स्थान है इससे इसकी दूरी कितनी है अभी फार्मूला आपको बताए हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर चलिए आंसर बताइएगा देरी नहीं कीजिएगा आंसर बताइए तो ये कितना बच गया इधर छह तो वापस आ गया इसको और बड़ा कर देते ताकि आपको समझ में आए ठीक है सॉरी इसको और ऊपर तक ले चलते हैं यहाँ मतलब ये यह डिस्टेंस जो है छः किलोमीटर है तो ये कितना बचा जो बताइएगा तो ये चार किलोमीटर बचा ये डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक छः किलोमीटर मतलब दस किलोमीटर था ना यहाँ से यहाँ तक दस किलोमीटर था यहाँ से यहाँ तक दस किलोमीटर था यहां उसमें से छह वापस कहीं भी आपको दस किलोमीटर किसी रास्ता में जाने के लिए बोला उसके बाद फिर बोला कि छह किलोमीटर वापस आ जाओ तो छह किलोमीटर आप आए वापस तो आपके पास जो प्रारंभिक स्थान था मतलब ये वाला ये वाला प्रारंभिक स्थान मतलब प्रारंभिक बिंदु जो भी लिख सकते हैं प्रारंभिक बिंदु ये कौन सा हो गया अंतिम बिंदु अंतिम बिंदु ठीक अब कह रहा है इसका डिस्टेंस तो इस चार किलोमीटर है लंब इसका लम्ब हो गया और तीन किलोमीटर आधार हो गया चलिए कोई दिक्कत नहीं कर देते हैं यहां लिख देते हैं चार का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर कितना आएगा चार सौ सोलह प्लस नौ अंडर रूट में चलिए इधर लिख दें यहाँ लिख चलिए यहीं पे लिख देते हैं तो कितना हो गया पच्चीस अंडर रूट हो गया ना अंडर रूट पच्चीस मतलब पाँच आंसर पांच आंसर तो आ गया पांच इसमें भी दे रहा है और पांच इसमें भी दे रहा है ठीक है इतना तक तो कंफर्म हो गया इसके साथ पूछ रहा था ये तो दूरी आ गया ये दूरी तो निकल गया अब पूछ रहा किस दिशा में तो दिशा देखिएगा यहाँ से तिरछी मतलब कि ये उत्तर पूर्व में है है ना यहाँ पे उत्तर पूर्व है तो कौन सा आंसर यहाँ उत्तर खाली पश्चिम दे रहा है तो इसका मतलब ये गलत हो गया आंसर सी क्या बन जाएगा क्या इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे हम्म क्या उम्मीद करें इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे कमेंट कर सकते हैं हाँ या ना भी जवाब दे सकते हैं आप इतनी भी साइलेंट ना रहिए थोड़ा बताइए ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए बोलिएगा आगे बढ़े क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा क्वेश्चन को चलिए बनाइए फटाक से आंसर दीजिएगा फटाफट आंसर दीजिएगा बताइएगा चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है प्रकाश बिंदु पी से दक्षिण दिशा में चलता है चालीस मीटर चलने के बाद वह बायां मुड़ जाता है वह अब तीस मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है तो P और Q के बीच सीधी दूरी क्या है और P, Q और P के बीच किस दिशा में है मतलब दिशा भी पूछ रहा है और किलोमीटर भी पूछ रहा है मतलब मीटर भी पूछ रहा है मतलब कि हमको दोनों से मतलब है दोनों जरूरी है ठीक है चलें, अब आगे बढ़ें चलिए क्वेश्चन बनाते हैं अगर आपका क्वेश्चन बन गया होगा तो कमेंट कीजिएगा दिशा तो आपको पता ही है ठीक है दिशा क्या है सॉरी उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम यह हो गया दक्षिण पूर्व यह दक्षिण पश्चिम ये उत्तर पश्चिम ठीक है चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को देखिएगा पी कोई बिंदु पी है ठीक रहा पी पी से दक्षिण दिशा में जैसे कह रहा है हम वैसे कर दिए दक्षिण दिशा में किसी 40 मीटर कितना 40 मीटर ये जो है वो 40 मीटर है चलिए इसको ठीक से लिख देते हैं 40 मीटर ठीक है चला ओके कोई बात नहीं किस दिशा में चल रहा था दक्षिण की दिशा में ठीक है यहाँ पहुंच गया दक्षिण की दिशा में यहाँ पहुंचा उसके बाद कह रहा है चालीस मीटर चलने के बाद वह बाया मुड़ जाता है बाया किधर होगा बोलिएगा बाया मुड़ जाता है बाया मुड़ गया चलिए भाई हम इसको बाया मुड़ा देते हैं इस दिशा में ठीक है कितना किलोमीटर मीटर चला तीस मीटर कौन सा स्थान पर पहुंचा बिंदु Q ये कौन सा स्थान था P ये कौन सा स्थान है Q ठीक है Q पे पहुंच गया है ठीक ये तीस मीटर चला तीस मीटर चला अब पूछ रहा है P और Q के बीच में सीधी दूरी क्या है मतलब कि ये वाला पूछ रहा है सीधी दूरी क्या है तो अभी आपको बता चुके हैं ये क्या हो गया कर्ण हो गया ये क्या हो गया आधार ये क्या हो गया लंप इतना तो पता है आपको ठीक है आगे बढ़े है? ठीक अभी क्वेश्चन आपको बताए ही थे कि कर्ण बराबर निकालना होता है फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला कर्ण बराबर कर्ण बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ठीक है अब चलिए क्या हो गया ये चालीस मीटर है अंडर रूट में एक सेकेंड इसको नीचे करते हैं बनाए नीचे करें क्वेश्चन को देखिएगा अंडर रूट चालीस का स्क्वायर प्लस तीस का स्क्वायर ठीक है कितना हो जाएंगे अंडर रूट सोलह सौ और प्लस नौ सौ कितना होगा पच्चीस सौ मतलब पचास मीटर आ गया आंसर पहला चीज पहला आंसर आ गया आपका पचास मीटर इसमें भी दे रहा है देखिएगा पचास मीटर इसमें भी दे रहा है और पचास मीटर इसमें भी दे रहा है अब कौन सा आंसर होगा बताइए यहाँ भी पचास मीटर है और ये भी पचास मीटर है कौन होगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्यों होगा जो दिशा पूछ रहा है दिशा जो दिशा से क्लियर हो जाएगा कौन सा ये किस दिशा में है क्वेश्चन पूछ रहा है ना किस दिशा में है तो कौन सा दिशा है ये दक्षिण पूर्व दिशा है है ना ये पी से किस दिशा में है बताइए क्यू और पी का दिशा कौन सा है क्यू जो है पी के किस दिशा में है P के किस दिशा में ना कि Q के किस दिशा में है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है Q जो है P के किस दिशा में है P के मतलब इसके इसके किस दिशा में है ना कि इसका पूछ रहा है कि Q के किस दिशा में P के तो इसलिए कन्फ्यूजन होता है आदमी आंसर मार देते हैं ये मारेंगे उत्तर पश्चिम लेकिन वो है भी नहीं लेकिन अगर रह गया तो आपको कन्फ्यूजन दे, दे देगा इस तरह का एग्जामिनर ध्यान दीजिएगा ठीक है तो कौन सा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मतलब सी राइट आंसर सी ठीक है इतना तो समझ में आ गया होगा चले तो क्वेश्चन उतारना है तो उतार लीजिए आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फटाफट बनाइएगा देरी नहीं कीजिएगा चलिए अमित जी अच्छी बात है क्या आप बता रहे हैं चलिए आंसर बताइएगा अमित जी इसका भी धन्यवाद कि आप कमेंट कर रहे हैं आंसर बता रहे हैं इस तरह से पढ़ाने में भी मन लगता है फट से आंसर बताइएगा चलिए कोई बात नहीं बताते हैं सबसे पहले तो आप क्या पूछ रहा है इसमें प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है दूरी पूछ रहा है मतलब कि आपको इसका मीटर का जरूरत पड़ेगा है ना इसका जरूरत पड़ेगा चलिए आगे बढ़े देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है अकबर उत्तर की दिशा में किधर उत्तर की दिशा में क्वेश्चन को उत्तर की दिशा दिशा आपको पता है नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं मैं बता देता हूं ये उत्तर हो गया ये उत्तर पूर्व हो गया यह पूर्व हो गया दक्षिण पूर्व दक्षिण दक्षिण पश्चिम पश्चिम उत्तर पश्चिम हम इसलिए दिशा लिखते हैं ताकि आपको एक बार में ही फाइनल हो जाए दोबारा कभी याद करने की जरूरत न पड़े दिशा इतने बार रिपीटेशन कर दे रहा हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ही ना हो ठीक है चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे सोल्यूशन देखिए क्या कह रहा है अकबर उत्तर की दिशा में अकबर उत्तर की दिशा में कोई बिंदु है उत्तर की दिशा में मतलब उत्तर की दिशा ठीक है यहां पहुंच गया कितना मीटर चार मीटर चार मीटर ठीक है उसके बाद कहता है उसके बाद वह वा बाया मुड़ जाता है बाया बाया मुड़ गया किसी बिंदु पर पहुंचा वो छः किलोमी छः किलोमीटर चला था छ मीटर छ मीटर चल गया ठीक है फिर फिर वह दाएँ मुड़ गया चलिए हम दाया मुड़ा देते हैं चलिए दाया मुड़ गया दाएँ मुड़कर चार मीटर फिर चला मिल मतलब चार मील मीटर नहीं कह सकते हैं मील है, मिल है चार मिल चला फिर चार मील चला ठीक चार मील चला ठीक है यहां पहुंच गया अब कह रहा है क्वेश्चन अब क्या कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक बिंदु ये हो गया प्रारंभिक बिंदु ठीक है ये कौन सा हो गया अंतिम बिंदु ठीक पूछ कौन सा रहा है पॉइंट ये वाला देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया है देखिएगा यह तो ऐसे चलिए कलर आपको नहीं दिख रहा होगा तो कलर चेंज करते हैं हम आपको देखिएगा ये पूछ रहा है ये ये वाला बिंदु और ये कितना हुआ जो बता देता हूँ ठीक इतना समझ में आ गया पूछ कौन सा रहा कर्ण कैसे निकालेंगे हम्म तो ये देखिएगा ये कितना है चार मीटर तो ये भी चार मीटर होगा होगा ना सामने वाली लंब वो भी चार मीटर का होगा ये जो है वो चार मीटर का होगा होगा ना यहाँ तक चार मीटर होगा ये छः मीटर होगा ठीक है तो इसका ज़रूरत है नहीं हमको इसका ज़रूरत है और इसका तो ये ऊपर जब ये है तो ये भी तो छः मीटर होगा नीचे भी अब त्रिभुज बन गया इसका तो ये कितना है ये दोनों दोनों कितना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा अब कर्ण बराबर क्या होता है देखिएगा कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ठीक है तो लिख देंगे कर्ण बराबर अंडर रूट चार 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 मीटर यहाँ था और चार मीटर यहाँ तो मतलब आठ का स्क्वायर छः मीटर ऊपर है ये अगर छः मीटर है तो ये भी छः मीटर होगा तो छः मीटर मतलब छः का स्क्वायर इतना तक तो समझ में आ गया होगा अब कितना आएगा अंडर रूट चौंसठ प्लस छत्तीस रूट में कितना आ जाएगा सौ मतलब दस दस मिल आ रहा है आंसर कौन सा सी नंबर दस मिल आंसर बन जाएंगे इस तरह से बताइएगा क्वेश्चन बनेंगे कोई डाउट क्वेश्चन बनाने में कोई डाउट है तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे हर हाल में पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बता रहा हूँ तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ये आपका लेखापाल जो लेखापाल एग्जाम होती है यूपी में वो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है लेखापाल के लेखापाल में क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन तो इसलिए मैं वो भी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा है या तो वो रिपिटेशन किया किसी ना किसी जिसे चलिए आगे बढ़ के बताते हैं जैसे लेखपाल में पूछ दिया ये क्वेश्चन ठीक है एक बार फिर अगर लेखपाल का कहीं एग्जाम होता है तो फिर ये क्वेश्चन दोबारा आ जाता है तो मैं चुना हूं उस तरह का क्वेश्चन ठीक है कहीं एस का एग्जाम हो रहा है एम का तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे थे इसके पहले वाला ये ये वाला एग्जाम वाला ये जो क्वेश्चन देखे थे ये एम टी एस 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 सी एम टी एस दो हजार अठारह में पूछा है एस एस सी एल डी सी दो हजार ग्यारह में पूछा है फिर आपको यूपी पुलिस यूपी पुलिस 2009 2009 में पूछा है अब बताइए सेम क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कोई चेंजिंग नहीं क्यू तो क्यू पी पी सेम क्वेश्चन कोई डायरेक्शन इधर उधर कुछ नहीं अब बताइए तो आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि नहीं चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बनाइएगा इसलिए आप लोगों के लिए एकदम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेशन है कई साल से रिपीट किया जा रहा है ऐसा नहीं है कि उसमें अगर यहाँ पे दो दस मीटर लिखा है तो दस मीटर नहीं है सेम दस मीटर ही आया है वो दस मीटर है तो दस ही मीटर आया है मतलब यहाँ पे जो है दस मीटर तो दस मीटर ही पूछा है उसमें क्वेश्चन में सोच लीजिए मैं उस तरह का क्वेश्चन को ढूंढ के लेके ले आया हूँ ये क्वेश्चन आपका आर आर बी चेन्नई पूछा है लोको पायलट में समझ गए फिर आपको यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप जाके देखिएगा फिर आपका मध्य प्रदेश में एमपी में जैसे बी एस बी पी एस सी का होता है बी एस सी सी होता है जे पी एस सी होता है उस तरह से एम में वहाँ पे का एल डी सी में पूछा है ये क्वेश्चन सोच लीजिए तो सेम क्वेश्चन उसके बाद आपका हिमाचल का एग्जाम हुआ था हिमाचल प्रदेश का यूनिवर्सिटी का एलडीसी का 2016 में उसमें भी पूछा है तो मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा है इसलिए आप सभी से निवेदन है कि क्वेश्चन को आप बनाइए क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है मतलब हमेशा रिपीट हुआ है मतलब अगर यहाँ पे बीस मीटर है तो उसमें एग्जाम में बीस मीटर आई रहा मतलब कि पंद्रह मीटर है तो आई रहा मतलब कहीं चेंजिंग नहीं हुआ सेम क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया है ठीक है तो उम्मीद करते हैं चलिए अब आंसर बताइएगा फटाक से बनाइएगा देरी नहीं कीजिएगा फटाफट बनाइएगा अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं चलिए अगर नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं मैं बताता हूं देखिएगा पहले तो आपको दिशा दे देता हूं दिशा तो आपको पता होना चाहिए उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण दक्षिण पश्चिम पश्चिम उत्तर पश्चिम इतना तो समझ में आ गया होगा इतने बार मैं लिख दूंगा कि आपको दिशा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा चलिए क्वेश्चन भी नहीं बनाने का बस आप एक बार देखते तो रहिए वीडियो को थोड़ा जो आता है आपको अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो थोड़ा सा सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप सीख रहे हैं मेरा मकसद सिर्फ आपको सक्सेस करना है बस आप सक्सेस हो जाए बस और कुछ नहीं चाहिए फ्री एंड कॉस्ट में आपको सक्सेस करने के लिए क्लासेस शुरू किए हैं ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ आप लोग के लिए फ्री क्लासेज ठीक है चलिए क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है ममता किसी निश्चित स्थान से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर कितना 20 मीटर और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर अब पहले तो 20 मीटर चल लेते हैं कहीं प्रारंभिक स्थान मान लेते हैं ठीक है प्रारंभिक स्थान यहाँ मान लें कोई दिक्कत है चलिए यहीं पे मान लेते हैं प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक बिंदु ठीक है अब आगे बढ़ें चलिए यहाँ से क्या कह रहा है बीस मीटर चला बीस मीटर किसी बिंदु पर बीस मीटर ठीक किस किस पूर्व की दिशा में पूर्व की दिशा में चले ये कौन सा दिशा है पूर्व पूर्व दिशा है ठीक है दिख रहा है कि नहीं नहीं दिख रहा होगा हो सकता है कलर के कारण मैं कलर चेंज करता हूँ इसको ताकि आपको दिख सके ये भी आपको नहीं ब्लैक ही करता हूँ चलिए देखिएगा ये बिंदु है या कौन सा स्थान है प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु कर देते हैं कोई दिक्कत खरा पूर्व की ओर बीस मीटर चला बीस मीटर पूर्व की ओर ये कौन सा बीस मीटर ठीक है कौन सा दिशा पूर्व की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं बीस मीटर भी पूर्व की ओर अगला दस मीटर दक्षिण की ओर चलता है दक्षिण की ओर दस मीटर चलता है चलिए यहाँ दस मीटर चलाइए कौन सा दिशा दक्षिण ठीक अब कह रहा है फिर क्वेश्चन और फिर तब वह पूर्व की ओर पंद्रह मीटर चलता है पूर्व की ओर पंद्रह मीटर पंद्रह मीटर पूर्व की ओर पूर्व यहां तक तो आया, तो आरंभ से अंतिम स्थान अंतिम स्थान ये है अंतिम बिंदु ठीक है अंतिम बिंदु जहां तक पहुंचती है उसके बीच की दूरी दूरी पूछ रहा है देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमाया है ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत घुमाया है ठीक है क्वेश्चन को घुमा दिया है आप लोग के लिए चलिए देखिएगा क्या पूछ रहा है कौन सा बिंदु पे है मतलब कि ये वाला पॉइंट पूछ रहा है ये आया समझ में ये पूछ रहा है ये वाला पॉइंट कि कौन सा कितनी दूरी है या अंत परम्भ से और इसके बीच की दूरियां पूछ रहा है दूरी दूरी बताइएगा तो अभी नहीं बताए हैं कि कर्ण बराबर क्या होगा तो निकालना होगा इसका तो ये देख रहे होंगे इसको हटाएं डायरेक्शन को हटा देते हैं ठीक है चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा देखिएगा जो इतना ये है अगर नीचे देखिएगा पंद्रह मीटर था तो ऊपर भी पंद्रह मीटर हो गया ये भी पंद्रह मीटर होगा ना यहाँ से और ये दस मीटर है तो ये भी दस मीटर हो गया ठीक इतना तो आपको पता हो गया जब इतना हो गया तो ये टोटल कितना हो गया देखिए बीस मीटर ऑलरेडी पहले था अब पंद्रह मीटर फिर तो कितना हो गया पैंतीस मीटर हो गया दोनों जोड़ देंगे तो हो गया ना पैंतीस मीटर हो गया यहाँ पे पैंतीस मीटर हो गया अब और ये कितना है ये दस मीटर ही है आधार या लिख देंगे यहाँ पे लिखें बनाए डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए या कोई लिख दे कर्ण चलिए कर्ण बराबर लिख देते हैं अंडर रूट जो अभी ज्वाइन किए होंगे उनको नहीं पता चलेगा पैथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ठीक है तो कर्ण निकालना है इसको निकालना है ये जो है गया है जिसको ठीक है तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट पैतीस का स्क्वायर प्लस दस का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा पैंतीस का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बारह पच्चीस प्लस स्क्वायर मतलब स्क्वायर याद कर लीजिए अच्छा रहेगा आपके लिए चलिए अच्छी बात है मीत जी क्या आप बना ले रहे हैं चौदह का एक्स बोल रहे हैं तो कह रहा है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे लिख दें तेरह सौ पच्चीस क्या आंसर सही है तेरह सौ पच्चीस चलिए आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे चलिए बनाइएगा क्वेश्चन को फटाक से आंसर बताइएगा देरी नहीं कीजिएगा फटाफट आंसर बताइएगा चलिए आंसर बताइएगा चलिए बताए कह रहा है ये आपका एग्जाम में आ चुका है ये आपका एस एस का 2008 एसएससी, एलडीसी 2004 BPS पी एस बी बी एस एस सी बी एस एस सी दो हज़ार चौदह वाला जो निकला था नोटिफिकेशन हुआ था उसका एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें हुआ था ठीक है फिर आपका जे एस एस सी दो हजार ये आठ सात नौ नौ या आठ में ऐसे ही करके पूछा है एग्जैक्ट डेट नहीं कन्फर्म हो पा रहा तो सोच लीजिए कि सेम कोई चेंजिंग नहीं है सब में सेम है तो आप चेक कर सकते हैं ऐसा नहीं है ये सब कहाँ कहाँ पूछा है मैं सब उसको क्वेश्चन को जो रिपीटेड किया गया है वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन हो सकता है दोबारा फिर पूछ सकता है जब इतने बार क्वेश्चन पूछा है तो फिर पूछ सकता है ठीक है तो देखिएगा बनाइएगा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 10-40 मीटर दाहिनी ओर मुड़ जाता है मतलब मुड़कर चलता है ठीक है चले बनाइएगा बस एक मिनट है आपके लिए चलिए देखिए क्वेश्चन बताता हूं डायरेक्शन तो आपको पता ही है ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ये दक्षिण पूर्व ये उत्तर पश्चिम ठीक है इतना तो पता ही होगा अब कह रहा है एक व्यक्ति सामने की ओर मतलब सामने की ओर कितना मीटर चलता है दस मीटर ठीक मतलब ये प्रारंभिक बिंदु हो गया प्रारंभिक बिंदु हो गया ठीक है चलिए अब कह रहा है किसी बिंदु यहाँ सीधा चला सीधा चलने के बाद वो बो, बोल रहा है कि वो 40 मीटर दाहिनी की ओर कितना दाहिनी की ओर 40 मीटर चलिए सीधा कर देते हैं इसको चलिए कोई बात नहीं दस मीटर कितना कितना चला 40 मीटर ठीक है चालीस मीटर चला ठीक है अब कह रहा है वो तत्पश्चात बाया और मुड़ कर क्रमशः दस मीटर और पांच मीटर और दस मीटर व बीस मीटर चलता है समझ रहे हैं बाई और हमेशा मुड़ रहा है वो पहला मुड़ा तो कितना चला पांच मीटर दूसरा मुड़ा तो चला दस मीटर क्वेश्चन देखिए घुमा रहा है किस तरह से तीसरा बार मुड़ जाता है तो वो कितना चलता है बीस मीटर ठीक इतना तो समझ में आ गया होगा ये कितना चला टोटल कितना है बीस मीटर यहां से यहां तक ठीक है एक सेकेंड इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके 20 मीटर चला है यहाँ से यहाँ तक ठीक है चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है तो बताइए कि शुरू के बिंदु से कितनी दूरी पे है अब बताइए शुरू से बिंदु से कितनी दूरी पे है हम्म ये वाला पूछ रहा है ये डिस्टेंस पूछ रहा है ये वाला ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपका यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पे है बताइए ये तो 20 मीटर था ही अब बताइए तो देख लिए क्या कह रहा है पहले चला था 40 मीटर चला था ना 40 मीटर उसमें से 10 मीटर वापस आ गया तो मतलब ये भी 10 मीटर तो यहाँ तक जो हुआ 10 मीटर आ गया तो बचा कितना ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस बचा 30 मीटर 30 मीटर बच गया ये 30 मीटर है तो यहाँ भी 30 मीटर हो जाएंगे ठीक है और ये कितना चला है पांच मीटर है ये पांच मीटर है तो इधर कितना बच गया पंद्रह मीटर तो यहां पूरा में तो बीस मीटर ऊपर से देख रहे हैं ये दस मीटर है ऊपर में ये पांच मीटर ये हो गया ये पंद्रह मीटर पूरा बचा उसमें से दस मीटर यहां पे हो जा रहा है तो ये खत्म हो गया तो यहाँ बचा पांच मीटर मतलब यहाँ तक जो है ये वाला पॉइंट जो है यहाँ तक दस मीटर आ रहा है आएगा ना दस मीटर क्योंकि ऊपर में दस मीटर ही चला था तो नीचे भी वही आएगा दस मीटर क्योंकि सामने वाला भुजाएं ऊपर वाले सेम भुजाएं समानांतर होती है तो ये भी दस मीटर हो गया तो बचा कितना पांच मीटर अब फॉर्मूला लगा देंगे पैथागोरस फॉर्मो का तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा तीस का स्क्वायर ठीक से लिख देता हूं तीस का स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर ठीक है नौ सौ अंडर रूट पच्चीस नौ सौ पच्चीस तो नौ सौ पच्चीस दे रहा एक नंबर पे एक नंबर में बारह सौ पच्चीस अमित जी बारह सौ पच्चीस नहीं होगा नौ सौ पच्चीस होगा ठीक है या आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं फिर से बड़ा करके डायग्राम बना के बताता हूं एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा देखिएगा फिर से मैं बना देता हूं डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा कह रहा है प्रारंभिक बिंदु किसी प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे देखते हैं देखिएगा कोई प्रारंभिक बिंदु है यहाँ से चलता है दस मीटर दस मीटर चलता है किस सामने की ओर इतना तो समझ में आ रहा होगा ठीक है सामने चलता है दस मीटर फिर मुड़ जाता है वो वो मुड़ जाता है वो कितना चलता है फिर चलता है टोटल चालीस मीटर ये कितना कितना चला इधर करता हूँ चालीस मीटर चला था ठीक उसके बाद वो फिर मुड़ता है वो चलता है पाँच मीटर फिर वो मुड़ जाता है तो फिर चलता है वो दस मीटर ठीक है उसके बाद पुनः वो फिर चलता है बीस मीटर क्या चला 20 मीटर यहां आ गया ठीक है ये चला कितना 20 मीटर टोटल ठीक अब पूछ रहा है इसकी ये प्रारंभिक बिंदु थी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अंतिम बिंदु अब इसकी बारे में पूछ रहा है ये तो ये बनेगा त्रिभुज कर्ण का कर्ण तो ये हो जाएगा तो जब कर्ण ये होगा ये वाला पॉइंट ठीक है कर्ण होगा तो ये भी तो हुआ तो यहां पर पल चला हुआ है कितना दस चल चुका है अगर ये दस है तो ये भी दस हो गया ठीक है ये पाँच है तो ये भी पाँच हो गया और ये बीस है और ऊपर दस है तो ये भी दस हो गया ये टोटल बीस है यहाँ तक का बीस है ठीक ना यहाँ से लेकर यहाँ तक बीस था तो पाँच इधर हो गया दस इधर हो गया तो पाँच है ना यहाँ बचा बिंदु हटाते यहाँ पाँच ही बचा ना क्योंकि पाँच पाँच दस पा, हो गया बीस मीटर टोटल तो पाँच ये हो गया और ये कितना चला था ये दस मीटर ठीक है आई टोटल कितना था 40 मीटर था उसमें 10 मीटर चल गया थी बचा कितना 30। आई जब 30 ये बचा तो ये भी 30 हो जाएंगे ठीक है जब ये 30 हो जाएंगे तो सेम ये सेम होगा अब निकालना होगा तो निकाल देंगे सीधे फार्मूला यही चीज लगा देंगे अंडर रूट तीस का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर नौ सौ पच्चीस बाकी तो आगे समझ में आ गया होगा चले आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बनाइएगा फटाक से आंसर बताइएगा देरी नहीं कीजिएगा फटाफट आंसर बताइएगा ताकि आज मैं कोशिश चाह रहा हूँ कि आज 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकूँ 12 बजे साढ़े बारह बजे तक एक घंटा में और ख़त्म कर दूँ आज कल मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ ठीक है सिटिंग अरेंजमेंट कल मैं क्वेश्चन मतलब क्लास शुरू करूँगा सिटिंग अरेंजमेंट का क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में इस कारण से कल सिटिंग अरेंजमेंट शुरू कर रहा हूँ इसलिए कल भी क्लास दस बजे के शुरू कर दूंगा दस से बारह क्योंकि दिन में ऑफिस रहता है इसलिए रात में पढ़ाता हूँ बस आप लोग के लिए फ़्री एंड कॉस्ट पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे सक्सेस हो सकें आप लोग सक्सेस हो जाइए बस यही मेरे लिए बहुत है चलिए बन गया चलिए क्वेश्चन बनाए फटाफट आंसर हैं देखिएगा कह रहा है एक आदमी ने किसी स्थान से चलकर शुरू किया और वो बारह जो है बारह किलोमीटर चला कितना चला बारह किलोमीटर ठीक है उत्तर की ओर मतलब कोई बिंदु है भाई यहीं पे मान लेता हूँ यहां मानता हूँ ठीक है दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं कलर चेंज कर ले रहा हूं ठीक है कितना चलता है उत्तर की और उत्तर कौन सा दिशा में होता है ऊपर ये कितना चला बारह किलोमीटर ठीक फिर वह नौ सौ जो है नब्बे होना चाहिए नब्बे डिग्री का कोण होना चाहिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक किया है क्या ये नब्बे डिग्री है नब्बे डिग्री का कोण है इसको ठीक से मैं कर दे रहा हूं चलिए इसको मिटा देता हूं ये ठीक है यहां पे, ये नब्बे डिग्री दाएं घूम जाता है नब्बे डिग्री दाएं मतलब नब्बे डिग्री का कोण बनाता है ठीक है घूम जाता और दूरी दूरी जाके रुक जाता है नब्बे डिग्री घूमता है नब्बे डिग्री घूम गया ठीक नब्बे डिग्री यहाँ पहुंच गए हम लोग घूम जाता है और चल के रुक जाता है यदि आरंभ का वह स्थान अंतिम स्थान के बीच में मतलब कर्ण बताया हुआ है यहाँ पे कर्ण का बताया हुआ है ये ये बताया हुआ है कर्ण पूछ कौन से रहा है इसके बारे में इसके बारे में नब्बे डिग्री घूम जाता है थोड़ा देर चल के रुक जाता है यहाँ रुक गया अब यहाँ से इतना इसके बारे में बोल रहा है रुक जाता है और वह अंतिम स्थान पे अंतिम स्थान ये है कर आरंभ स्थान पर अंतिम स्थान के बीच की दूरी मतलब ये प्रारंभ स्थान था प्रारंभिक स्थान था ना प्रारंभिक और ये अंतिम ठीक इतना तो समझ में आ गया होगा तो आधार बराबर आधार बराबर क्या होगा पूछ रहा है आधार बराबर तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर फॉर्मूला को रख देंगे पैथागोरस फॉर्मूला का तो तेरह का स्क्वायर हो गया ना और माइनस बारह का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा एक सौ उनहत्तर का स्क्वायर माइनस एक सौ चौवालिस ठीक तो पच्चीस अंडरउड पच्चीस मतलब पांच तो पांच किलोमीटर ये आया कितना पाँच पाँच किलोमीटर आया पाँच किसमें है? दो नंबर इज राइट आंसर तो क्या बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन क्या उम्मीद करें तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे हम्म बताइएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं चलिए बनाइए क्वेश्चन को देरी नहीं कीजिएगा बताइएगा ये फिर होगा फिर फिर हो गया है इसको यहाँ पे फिर कह सकते हैं चलिए बताइएगा आंसर फटाख से देरी नहीं कीजिएगा चलिए देखेगा अगर बना लिए होंगे तो अच्छी बात है नहीं बनाए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं मैं बताऊंगा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है राधा दक्षिण पूर्व में मतलब दिशा आपको तो पता ही होगा दिशा का है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ये उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम इतना तो समझ में आ गया होगा दिशाएं इतनी बार बता दूंगा कि आपको याद हो जाएंगे खुद से ही याद हो जाएगा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए कह रहा है राधा दक्षिण पूर्व की ओर दक्षिण पूर्व की ओर सात मीटर चलता है या राध कह सकते हैं ठीक है कोई बात नहीं कोई भी हो राधा 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 कोई भी हो कितना सात मीटर ठीक कौन सा स्थान हो गया प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु ठीक है आगे बढ़े हम्म देखिएगा प्रारंभिक बिंदु हो गया अगर नहीं दिख रहा हो तो कलर फिर चेंज कर देते हैं ब्लैक कर देते हैं यहाँ से यहाँ चला सात मीटर ठीक उसके बाद कह रहा है यहाँ तक चल गया पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर सात मीटर फिर वह पश्चिम में चौदह मीटर यात्रा करती है राधा जो है ठीक है कितना चौदह मीटर चौदह मीटर चली ठीक है पश्चिम की ओर इसके बाद वो बोल रहे कि यहां से वह उत्तर पूर्व की उत्तर पश्चिम की ओर सात मीटर उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर फिर सात मीटर चला ठीक है सात मीटर चल दी और अंत में वह पूर्व की ओर चार मीटर पूर्व की ओर चार मीटर ठीक है चार मीटर चार मीटर चलिए और वह उस बिंदु पर खड़ी हो जाती है जहां से वह वहाँ वहाँ जहाँ खड़ी है वहां से आरंभिक बिंदु कितनी दूरी है चलिए अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है बताते हैं ये पूछ रहा है इसके बारे में जहाँ खड़ी है यहाँ से ये स्थान क्या है ये अंतिम हो गया ठीक अब यहाँ से यहाँ की स्थान कितना हो गया तो देखिएगा बहुत ईजी है कुछ नहीं है ये पूरा अगर हम देखेंगे ये वाला पूरा पॉइंट तो पूरा कितना हो जाएगा चौदह होगा क्यों नीचे चौदह जब सामने वाले भुजाएं चौदह तो ये भी चौदह होगा उसमें से चार मीटर तो ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुका है यहाँ से यहाँ तक तो जब यहाँ तक पहुँच गया तो कितना बचा दस मीटर आंसर एक नंबर क्या लिखना पड़ेगा कि दस ये चौदह मीटर था चौदह मीटर से चार मीटर सॉरी चार मीटर घटाएंगे तो दस आएगा ये सब करने की जरूरत नहीं है ना चलिए अच्छी बात है अमित जी कि आप बना पा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वन सेकेंड थैंक यू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप आंसर बताएंगे आप लोग तभी तो मुझे पता चलेगा कि कोई बना रहे हैं तभी तो मुझे भी और पढ़ाने में भी, भी मन लगेगा अगर नहीं कोई बनाते हैं तो ये होता है कि लगता है कोई समझ नहीं रहे हैं ऐसा लगता है चलिए बताइएगा फटाक से आंसर बताइएगा देरी नहीं कीजिएगा क्वेश्चन बहुत बड़ा देखने में लग रहा होगा बनेगा बहुत इजी से चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन बनाए चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिएगा देखिए क्या कह रहा है ए बी पूर्व पश्चिम जाने वाले एक सीधे मार्ग पर एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पे है कितना मीटर की दूरी पे है एक दूसरे से 20 मीटर सीधी मा, सीधी मार्ग है। मतलब एक तरह से ट्रैक टाइप का ठीक है रेलवे ट्रैक कैसे होता है एक दूसरे के सामने होते हैं लेकिन दूरी होता है ठीक है क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन ठीक है देखिए बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा उसके बाद फिर हम नीचे बना देंगे ठीक है वह यहाँ तक तो सेम कहानी है बीस मीटर की दूरी है तो मतलब कोई ट्रैक है मतलब कोई दूरी है जिसे ये है ये इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए बीस मीटर बीस किलोमीटर ठीक है यही बोल रहा है बस यहाँ तक अभी तक पढ़े हैं जितना तक बीस किलोमीटर वह वे वह वहाँ से पूर्व तथा पश्चिम की ओर एक समय चलना शुरू करता है और पाँच किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात ए अपनी स्थान पर मुड़ जाता है तथा बी मुड़कर 10 दस मीटर दस किलोमीटर चलता है चलिए कोई बात नहीं है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि जगह मिल सके बनाने के लिए ठीक है कह रहा है यहाँ पे कोई बिंदु है यहाँ से पांच मीटर चलता है या पांच किलोमीटर ठीक है फिर फिर वह मुड़ जाता है और दस मीटर चल... दस किलोमीटर चलता है दस किलोमीटर चलता, किलो चलता है ठीक है सेम कंडीशन अगर ये ए है तो उसके साथ बी के साथ भी होता है बी के साथ क्या कहता है ये दस मीटर चलने के बाद यहाँ पहुँच गया ठीक और जब बी पाँच किलोमीटर दूरी तय करती है तो पश्चात वह मुड़ जाती है और दस किलोमीटर ये भी सेम कंडीशन ये भी करता है पाँच किलोमीटर ये भी चलता है पश्चात वह दाएँ मुड़ जाता है ये बाएं मुड़ा था यह दाएं मुड़ गया चलिए कोई बात नहीं इनको भी हम बाएँ मुड़ाते हैं बी हो गया यहाँ से चले फिर पाँच मीटर चले पाँच किलोमीटर चले फिर उप मुड़ गए चलिए देखिएगा चलिए ये कितना चले ये भी दस मीटर दस किलोमीटर चले ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं दिखेगा ठीक है दिख रहा होगा आपको चलिए अमित जी बना चुके हैं सत्रह का दस चलिए ट्रैक देख लेते हैं अब कह रहा है कि जिस गति जिस गति से ये चलता है उसी पर उसके पश्चात दोनों बाएं और मुड़ जाते हैं दोनों इधर भी ये भी बाया मुड़ जाता है और ये भी बाया मुड़ जाता है मुड़ जाते हैं तथा समान गति से पांच किलोमीटर ये भी पाँच किलोमीटर चलता है यहाँ पे पाँच किलोमीटर और ये भी पाँच किलोमीटर चलता है चलिए ठीक है अब बताइएगा ये जो उस समय जो बोल रहा था ना सबसे ऊपर में डिस्टेंस डिस्टेंस इसकी बारे में बोल रहा था बीस किलोमीटर ठीक है अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इस उसके पश्चात दोनों बाएं मुड़िया अब दूरी तय करता है यहाँ तक इसके बीच में कितनी इसके बीच में अब कितनी दूरी है अब बताइए ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा 20 किलोमीटर है ठीक है उसमें से 5 किलोमीटर इधर है और 5 किलोमीटर इधर है ये है तो 10 किलोमीटर हो गया अब 20 में 10 जाएगा तो कितना आएगा 10 किलोमीटर क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन तो ए नहीं आएगा क्योंकि ऊपर का भी हम अगर डायरेक्शन देखते हैं तो क्योंकि नीचे भी तो सेम चला था और ऊपर भी एक किलोमीटर चला है ठीक है ये दोनों सेम ही चला है तो ये पूछ रहा है इसके मध और इसके मध की दूरी ये मध ये जो मध है इसकी दूरी पूछ रहा है उसके बीच की दूरी पूछ रहा है उनके बीच की दूरी कितनी है तो यहाँ से और यहाँ की मध की दूरी ये नहीं सोचिए कि यहाँ पर वाला पूछ है ये यहाँ का यहाँ का नहीं पूछ रहा है ये मध के बारे में मत सोचिए जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेम ये वाला है ठीक है यहाँ आया तो ये पांच ही हो गया ना तो ये जो पॉइंट है ना वो अंतिम के बारे में पूछ रहा है यहां और इसके बारे में तो दस आएगा ठीक है अगर कोई डाउट रहेगा तो जरूर बताइएगा कोशिश करेंगे बताने का कोई कोई दिक्कत नहीं हमेशा अगर ट्राई करने पे कोई दिक्कत आए होता है आप कोशिश कर रहे हैं तभी आंसर आप गलत सही होना कोई बड़ी बात नहीं होती है कोशिश करने वाले का ही गलत सही होता है कोई भी बच्चा जब तक गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे चले आगे बढ़ें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बस क्वेश्चन उम्मीद करते हैं तुरंत बना लीजिएगा आप लोग बताइएगा बहुत आसान क्वेश्चन है एक बजकर तीस मिनट पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी एक बजकर तीस मिनट पर बताइए उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर बता पाएंगे तुरंत बताइएगा अमित जी देखिएगा पहले तो आप घड़ी बना लीजिए घड़ी बना लीजिए घड़ी बना, बना लेते हैं आपको बना देते हैं ठीक है बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह इतना तो आ गया आपको ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बज के तीस मिनट मतलब कि एक बज के तीस मिनट ये होगा तीस मिनट ठीक अब बताइए कौन सा दिशा होता है इधर पूर्व होता है ये कौन सा होता है उत्तर पश्चिम ये दक्षिण ठीक है तो सुई की क्वेश्चन यहां देखिए ध्यान से देखिए एक के तीस मिनट में मिनट की सुई मिनट वाली सुई तो मिनट वाली सुई, तो सुई किधर है नीचे दक्षिण क्या बन जाएंगे आंसर आ गया आपका चलिए अच्छी बात है कोई बात नहीं टाइम लगेगा प्रैक्टिस की बातें हैं प्रैक्टिस करने पे जल्दी आंसर मिलेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस स्पीड कीजिएगा कोशिश कीजिएगा बन जाएंगे अजय चौहान का हो या आर एस अग्रवाल का हो किसी का भी बुक हो आप तैयारी कीजिए बन जाएंगे चलिए बताइएगा घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में तो सबसे पहले किस समय को बताएगी चलिए प्रोडक्ट आंसर बताइएगा देरी नहीं कीजिएगा चलिए हम घड़ी भी बना दे रहे हैं आपको बारह एक दो तीन चार पांच छत आठ, नौ दस ग्यारह यहाँ सुई है घंटे वाली सुई किधर हो दक्षिण पश्चिम दिशा देखिएगा उत्तर पूर्व पश्चिम दस चीन, ठीक है लेकिन घंटे की सुई बोल रहा है दस चीन पश्चिम में है हुँ? कर घंटे वाले सुई दक्षिण पश्चिम में हो तो पहले किस समय को बताएगी दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम किधर होता है दक्षिण पश्चिम इधर होता है होता है ना सॉरी दक्षिण पश्चिम ये उत्तर पश्चिम होता है ये उत्तर पूर्व होता है ये उत्तर दक्षिण पूर्व होता है ठीक अब बताइए क्या कह रहा है घंटे की सुई किधर है दक्षिण पश्चिम में दस तो है दक्षिण तो इधर है ठीक यह दिशा होता है ना घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में है तो सबसे पहले किस दिशा को बताएगी तो दक्षिण पश्चिम में घंटा है मिनट किधर है अगर मिनट ऊपर कर दे तो दक्षिण पश्चिम में कह रहा है घंटे वाली सुई है तो कौन सा दिशा बताएगी चार तो होगा नहीं साढ़े पांच होगा नहीं ठीक है साढ़े छः तो दिशा कौन सा बता रहा है सबसे पहले दिशा तो पश्चिम आएगा दक्षिण पश्चिम के बाद कौन सा दिशा आता है पश्चिम समय कौन सा बताएगा समय छः बजेगा ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम तो छः बजे के बाद ही होगा ना दक्षिण होता है छः तो साढ़े छः ठीक है चलिए राइट आंसर साढ़े छः है ठीक है ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए बताइएगा प्रोडक्ट आंसर बताइए राइट आंसर है अमित जी आपका एक चलिए देखिए घर घड़ी में पौने तीन बजे हैं यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है एक सेकेंड दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो घंटा का सुई किस दिशा में होगा चलिए घड़ी बनाए प्रोडक्ट साहब आंसर बताइएगा गोल तो होता नहीं है चलिए गोल हो गया बहुत अच्छी बात है बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह चलिए ठीक है अब दिशा कह रहा है देखिए घड़ी का पौने तीन पौने तीन बजा देते हैं थोड़ा सा पीछे होगा ये यहाँ पे रहेगा तीन तो बजा नहीं है पूरा ये नौ पे होगा ये घंटे की सुई है मोटा थोड़ा कर दे रहे हैं ठीक चलिए पौने तीन पौने तीन बजे कौन सा दिशा कह रहा है पौने तीन बजे दक्षिण पश्चिम का दक्षिण पूर्व कह रहा है अगर हम इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में हो मिनट की सुई दक्षिण यहाँ पे दक्षिण पूर्व कह रहा है तो इसके बाद क्या हो जाएगा इसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं आपको कलर से थोड़ा सा ये हो जाएगा आपको अच्छा लगेगा समझ में आ जाएगा देखिएगा जब ये हो गया इस तरह से सॉरी लाइन घी सकते हैं दिशा के लिए ठीक ठीक है चलिए दक्षिण पश्चिम तो हो, हो गया तो ये हो गया दक्षिण ये दक्षिण हो गया तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम ये हो गया पश्चिम ये हो गया उत्तर पश्चिम ये हो गया उत्तर ये हो गया उत्तर पूर्व पूर्व ये हो गया पूर्व ठीक है ये था इधर का लाइन ना ठीक है तो अब घंटे के सुई घंटे की सुई किधर आ गया ये वाला ऊपर थोड़ा सा है तिरछा रहेगा ना यहां पे घंटा दो बजा नहीं है लाइन खींचने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है ये लाइन तो ये पश्चिम की ओर होगा मतलब दो नंबर आंसर ठीक है क्या बन जाएंगे ऐ समझ में क्योंकि वो घड़ी को क्या किया ना घुमा दिया है घड़ी को थोड़ा सा जैसे ये उत्तर था ये दक्षिण है ये पूर्व है ये पश्चिम है पश्चिम है यहां पे तो ये घड़ी को थोड़ा सा मूव कर दिया ये पस ये जो पूर्व था तो इसको इधर घुमा दिया ये इसको लेके चला गया इधर पूर्व हो गया ये पश्चिम के जगह पे पश्चिम किया और घड़ी को थोड़ा सा इधर मूव किया तो ये पश्चिम यहाँ हो गया इस तरह से वो क्वेश्चन घड़ी को घुमा के किया है ठीक है तो इस तरह का क्वेश्चन आप दोबारा मिलेगा तो आप बनाने का कोशिश कीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बताइएगा फटाफट आंसर बताइएगा यदि उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए तो दक्षिण पूर्व को क्या होगा बताइए डाक्स आंसर बताइएगा क्या कह रहा है उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए ठीक चले देखिएगा इसको उत्तर कहते हैं उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम इतना तो समझ में आ गया होगा चलिए आगे बताते हैं देखिएगा आगे क्या कह रहा है उत्तर पूर्व क्या हो जाए दक्षिण ये वाला जो है उत्तर पूर्व यहाँ आ जाए दक्षिण आ जाए मतलब 135 डिग्री घूम जाए ठीक है दाएं हो जाता है 135 डिग्री सॉरी दक्षिण पूर्व कह रहा है ना उत्तर उत्तर पूर्व हाँ ये उत्तर पूर्व कह रहा था 135 डिग्री घूम रहा है ठीक मतलब वही है जब इतना घूमेंगे दक्षिण पूर्व को दक्षिण ले जाएंगे तो 135 डिग्री का कोण बनाता है तो कह रहा दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे तो दक्षिण को 135 डिग्री पर लेके चल जाएंगे ठीक तो 135 पे ले जाएंगे कौन सा हो जाएंगे तो पश्चिम हो जाएगा क्या आंसर बनेगा चलिए इज राइट आंसर अमित जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा देरी नहीं कीजिएगा बनाएगा फटाक से है किसी मानचित्र में दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर दिखाया जाए दक्षिण पूर्व को उत्तर रहा है किसी मानचित्र में ठीक है उत्तर, उत्तर पूर्व दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा होगा चलिए कलर चेंज करते हैं उत्तर, उत्तर पूर्व पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण दशिन पश्चिम पश्चिम उत्तर पश्चिम चलिए तो कह रहा है कितना कह रहा है मानचित में दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर कहा जाए दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर कहा जाए ठीक है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है एक सौ पैतीस डिग्री का ठीक है अब उत्तर पूर्व को पश्चिम दिखाया जाता है उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व यहाँ है इसको पश्चिम दिखाया जाता है ठीक है ठीक तो क्या हो जाएगा देखिएगा पश्चिम को उत्तर पूर्व को उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व को कह रहा है पश्चिम ठीक अब कह रहा है इसी प्रकार अगले मानचित्र में पश्चिम को क्या कहेंगे तो पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहेंगे इज राइट आंसर ठीक है सब 135 डिग्री का कोण बना रहा है ये भी तो ये भी 135 डिग्री का कोण बनाएगा तो दक्षिण पूर्व आ जाएगा चलिए अमित जी सही राइट आंसर है आपका तेईस का बी होगा ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं एक आफ़ी है हैं जो कि अमित जी जो कि सक्रिय हैं बाकी लोग तो बस मूवी की तरफ फिल्म देख रहे हैं एक्टिव ही नहीं है और आज के समाज में है कि जो एक्टिव है वही आगे जागरूक है जिस तरह से आप एक्टिव हैं उस हिसाब से लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं और सफलता ज़रूर हासिल करेंगे चलिए भगवान से प्रेयर करेंगे कि आप सक्सेस हो जाएं जल्दी से जल्द मेरा जो मकसद है आप लोगों का सक्सेस करना वो सफल रहे चलिए अमित जी बताइएगा आप सभी लोग बताइएगा थोड़ा क्या रहा है यदि उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व में परिवर्तन करें तो दूसरी दिशाएं किस प्रकार परिवर्तन होगी दक्षिण पूर्व ये दक्षिण दक्षिण पश्चिम पश्चिम उत्तर पश्चिम यदि उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व में परिवर्तन किया जाए मतलब बदल दे रहा है समझ रहे हैं ना क्या कर दे रहा है बदल दे रहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व में ठीक है मतलब 90 डिग्री का कोण बन जा रहा है ठीक तो उसी प्रकार परिवर्तन किया जाए तो दूसरी दिशा में क्या आएगा बताइएगा तो 90 डिग्री का कोण फिर बनेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कितना आएगा बताइएगा क्योंकि क्रमश बदलते रहना है तो उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व हो गया ठीक है फिर दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पश्चिम को उत्तर हो जाएगा हो जाएगा ना पश्चिम जो हो जाएगा पश्चिम होगा दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाएगा अतः देखिएगा जब ये उत्तर पूर्व कह रहा है तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा क्रमश बदलते रहेंगे तो उत्तर पूर्व पूर्व दक्षिण हो गया मतलब दक्षिण पश्चिम हो गया वही दक्षिण दस, पूर्व हो गया तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएंगे उत्तर हो जाएंगे ये हो जाएगा ना इस तरह से तो, तो जो पश्चिम उत्तर में हो जाएगा ये जब ऊपर चले जाएगा तो ये जब ऊपर बदलेगा तो ये कहा ये जो पश्चिम है वो कहाँ चला जाएगा यहां चला जाएगा ठीक है तो कौन सा आंसर इसमें से ऑप्शन ए होगा सही ठीक आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं बनाइएगा फटाक संसद आंसर दिए एक मिनट में आंसर दीजिएगा देरी नहीं कीजिएगा टाइमिंग वेस्ट नहीं कीजिएगा टाइमिंग थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है आदमी को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए फटाफट आंसर बताइएगा देरी नहीं कीजिएगा देखिएगा दिशा तो आपको पता है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ठीक है आगे देखिएगा क्या कह रहा है एक दिशा सुचकांक खंभा एक चौक पर खड़ा है चौक पर एक खंभा खड़ा है ठीक ये खंभा खड़ा है चलिए खंभा खड़ा है खराबी के कारण दिशा सूचकांक को पूर्व दिशा दर्शाता था गलती के कारण पूर्व दिशा दर्शाता था ठीक है दर्शाता वह दक्षिण दिशा दर्शाता है दर्शाता है वह दक्षिण दिशा दर्शाता है दर्शा 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 एक यात्री जो पश्चिम समझकर गलत दिशा में चला चल रहा है वास्तव में वह वा किस दिशा में मतलब कि ये ये पूर्व है अब पूर्व को वो कह दिया दक्षिण ठीक दक्षिण किधर है नीचे है ना? दक्षिण कहाँ है नीचे में होना चाहिए था और ये पश्चिम होता है तो जब ये पश्चिम है तो ये क्या होगा ये उत्तर होता है कौन सा सही होगा उत्तर उत्तर दिशा ठीक है डी नंबर आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फटाफट फड़ क्वेश्चन बनाते हैं देरी नहीं करेंगे टाइम भी बहुत हो रहा है चलिए रहा है क्या कर रहा है मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं दिशा तो आपको पता ही है यह उत्तर है ये पूर्व है ये दक्षिण है ये पश्चिम है किधर खड़ा करके मुंह खड़ा है उत्तर की ओर ठीक उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वारा मेरे मुंह विपरीत दिशा में हो सक मतलब विपरीत दिशा में हो जाएगी एक बार दाया घूमे ठीक फिर दाया सॉरी बाया घूमने के लिए बोल रहा है ना तो इधर से एक बार उत्तर में है तो सॉरी उत्तर है बाया घुमा फिर बाया घुमा फिर दाया घूमने के लिए बोल रहा है ना सही तो इस तरह के देखिए बाए, बाएं बाएं दाएं 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 तो इस तरह के क्वेश्चन जब रहेंगे तो दाएं बाएं दाएं बाएं कट जाएंगे तो एक जो कह रहा है चार बार दाएं एक दो तीन चार मतलब जहाँ थे वहीं आ गए देखिएगा एक दो अगर दाएं घूमते हैं एक दो तीन यहाँ तक आए फिर चार यहीं आ गए मतलब फिर उत्तर में ही आ गए ठीक है दो बार बाएं कह रहा है इसकी क्योंकि दो बाएं बोल रहा है तो एक यहाँ था यहाँ गया यहाँ विपरीत तो हो गया ना तो ये दो बाएं क्या दक्षिण की दिशा में हो जा रहा है तो ये विपरीत ही पूछ रहा है ना उसके मुकर के श्रृंखला में है तो मेरे विपरीत दिशा में दूसरा मतलब कि यहाँ पे दक्षिण दिशा में पूछ रहा है ना मतलब एक नंबर ही आंसर बन गया ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी रहेंगे दाएं बाएं दाएं बाएं कटते हैं यहां देखिए तीन बार बाएं हैं और तीन बार ये है तो कभी अपोजिट साइड में जाएगा नहीं जाएगा ये दो बार बाएं हैं फिर दाएं हैं तीन बार और ये फिर तीन बार नहीं होगा एक बार दो बार तीन बार एक दो बार एक तीन बार ये भी नहीं होगा मतलब ये दोनों नहीं होगा चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताइएगा रॉबर्ट जिसका मुंह पश्चिम की ओर चार दो बारह सौ बारह सो नहीं है वो थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है ये हो जाएगा मतलब यहाँ पे ये नहीं है 120 हो जाएगा डिग्री 165 डिग्री ठीक है चलिए अब बताइएगा देखिएगा रॉबर्ट जिस का मुख पश्चिम की ओर है 120 डिग्री घड़ी की, तो की सुई की दिशा में घूमता है तो एक डिग्री की सुई की विपरीत दिशा में घूम जाता है तदा अनुसार अब उसकी मुंह किस दिशा में होगी देखिएगा इतना तो समझ में आ गया होगा ये हो गया पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर उत्तर पश्चिम पश्चिम दक्षिण पश्चिम दक्षिण ठीक है क्या कह रहा है 120 डिग्री पहला जो घूमता है 120 डिग्री कहा से पश्चिम से यहां से 120 डिग्री यहां आएगा ठीक यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनेगा ये 120 डिग्री है और ये एक सौ डिग्री है चलिए अब कह रहा है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमा जाए तो तद क्या होगा एक डिग्री सुई के जो घूमकर एक सुई तो एक डिग्री यहां से एक डिग्री घूम रहा है तो यहां आ जाएगा एक सौ पैंसठ डिग्री तो की कौन सा दिशा हो गया दक्षिण पश्चिम इज राइट आंसर ठीक है चले आगे बढ़ें बस आपको एक बार सेट करना होगा दिशा इसीलिए मैं इतना बार लिख रहा था ना ताकि आपको समझ में आ सके बस और कोई नहीं ठीक है आप दिशा को एक बार ध्यान दे दीजिए तो आपका सब बन जाएगा चलिए लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ चलिए फिर नया लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद फिर नए क्लास में मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर के साथ चलिए कर रहा है एक स्ट्रीम इंजन दक्षिण की ओर जा रही है वहाँ वहाँ मतलब वहाँ पे हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो उसका धुआं मतलब ये धुआं है थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ ये यह यहाँ पे धुआं है धुआं किस दिशा में जाएगी बताइए दक्षिण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कारा इंजन जो है स्ट्रीम दक्षिण की ओर जा रही है मतलब इधर जा रही है ठीक है जा रही है हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है पश्चिम से इधर की ओर बह रही है ठीक है बह रही है तो धुआं किस साइड में जाएगी बताइए ये कौन सा है? उत्तर पूर्व ये दक्षिण पूर्व ये उत्तर पश्चिम ये दक्षिण पश्चिम तो बह रहा है इधर जा रहा है इधर तो हवा तो भागेगी तो किधर जाएगी हवा उत्तर पूर्व की ओर उत्तर पूर्व की ओर आंसर कौन सा है एक नंबर चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे उम्मीद करें कि आप इस तरह के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे डायरेक्शन टेस्ट से तो सात दिन में मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस सेट के साथ अगर आप लोग तैयारी करें तो मैं एक महीने में ही रीजनिंग पूरी बुक अजय चौहान का हो नन भरवल भरवल दोनों में खत्म कर दूंगा ठीक है मेरा कल नया क्लास शुरू कर रहा हूं सिटिंग अरेंजमेंट इसलिए ज्वाइन करने के लिए ना भूले कल मेरा पहला क्लास रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट का तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा कल सिटिंग अरेंजमेंट में फिलहाल आज इतना ही इस क्लास के लिए कल ये कल क्लास चलेगा इसका सीटिंग अरेंजमेंट का पहला रहेगा तो इसलिए कल ज्वाइन करने ना भूलें कल टाइमिंग इसकी रहेगी वही दस बजे से लेकर 12 बारह बजे तक कल क्लास चलेगा इसका ठीक है कल मैं बहुत बारीकियों से सिखाऊंगा बारीकियों से छोटी से छोटी से चीज़ों को ताकि एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े बस मेरा उम्मीद यही है चलिए अमित जी आपको गुड नाइट कल मिलते हैं नए क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट में धन्यवाद आप सभी को अब शुभ ठीक है